जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां रोसड़ा नगर परिषद की वार्ड संख्या 10 से पूर्व पार्षद सह समाज सेवी रामाशंकर नायक ने अपना दबदबा पेश किया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक विजयी नारा लगाते रहे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में लगातार विकास का कार्य करते आ रहे थे, लेकिन 2017 से राजनीति के शिकार हो गए थे, जिसके कारण 2017 में पार्षद से बाहर हो गए थे। इसी राजनीति शिकार का बदला लेने के लिए उनके उम्मीदवार के खिलाफ अपना दमदारी पेश किया है। उनका कहना है कि जिन्होंने 25 वर्षों तक चेयरमैन पद पर काबिज रहे, लेकिन इस दफा वार्ड पार्षद से अपना उम्मीदवारी पेश कर राजनीति कर बौना कर लिया है, इसलिए बेहतर विकास के लिए जनता उन्हें मजा उठाने के लिए कमर कसे हुए मुझे भारी मतों से विजय श्री दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया है। उनका कहना है कि फिर से वार्ड पार्षद बनने पर विकास को फिर से पटरी पर लाते हुए नगर भवन का निर्माण अवश्य कराएंगे, इसलिए मतदाता संगठित होकर गलत राजनीति कर विकास अवरोध करने वाले को करारी हार दिलाने के लिए आगे आए। वार्ड नंबर 10, नाम क्या हुआ? रामाशंकर नायक। अच्छा, आपने अंतिम समय में अपनी उम्मीदवारी पेश किया, इसका क्या कारण? मैं अपना पंडित लोगों से दिन निकाल के रखे हुए थे और आज बहुत अच्छी शुभ दिन है, इसलिए हम नॉमिनेशन। नहीं, सूचना मिली है कि आपने मतलब सत्येंद्र चेयरमैन साहब के कैंडिडेट के खिलाफ आप खड़ा हुए। सत्येंद्र नायक के कैंडिडेट के खिलाफ आपने अपनी उम्मीदवारी पेश की? वो तो कैंडिडेट के, वो तो चेयरमैन के दावेदार थे, वो तो चेयरमैन के दावेदार के पद पर से आके वार्ड पार्षद के पद के लिए नॉमिनेशन करने गए। जनता के लिए आप क्या बोलेंगे? जनता के लिए तो हम ये बात घर घर जाके कहेंगे कि जो व्यक्ति चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने के दावेदार रखे हुए थे, और वो आज वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने क्यों आए? आप जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद आप क्या करेंगे? मैंने 2012 में विकास किया था नगर पंचायत को, नगर पंचायत में, और फिर हम इस बार जीत के जाएंगे और उससे हम ज्यादा विकास का काम अपने वार्ड में लाएंगे। और दावा करते हैं कि जो या अनुमंडल मैदान के बगल में या टाउन हॉल की जो हमने लक्ष्य रखा था, उसको भी मैं पूरा करूंगा। अच्छा, ये नहीं लग रहा कि आप राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए थे? क्या राजनीतिक के साथ साजिश का शिकार हो चुके थे पहले? राजनीतिक का शिकार? हाँ, जिसके कारण पिछले आप अपनी हार हो गई थी आपकी। हाँ, राजनीति का शिकार हमने, हमको कह के लोग धोखा दिया। जनता के लिए क्या किया? ऐसे धोखेबाज के लिए क्या आप बोले? वो जनता सबक सिखाएगी इस बार ऐसे व्यक्ति को। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।